स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीर की कस्टडी का अब केस शुरू हो चुका है। अबीर भी जानता है कि कस्टडी का केस लड़ा जा रहा है, इसलिए वो अक्षरा को हाथ में बांधने वाली भगवान जी की मोरी देता है और अक्षरा से कहता है, मम्मा इसे बांध लो, आप इसे बांधोगे तो कस्टडी आप दोनों को ही मिलेगी, मैं आप दोनों से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहता। अभिनव और अक्षरा बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अक्षरा वो बांध तो लेती है, लेकिन जब वो वहाँ से निकलती है तो उसके हाथ से वो धागा गिर जाता है। इसी का नतीजा कस्टडी का केस अभिमन्यु को मिल जाता है। कोर्ट में ये डिक्लेयर हो जाता है कि अबीर की कस्टडी अक्षरा अभिनव को नहीं बल्कि डॉक्टर अभिमन्यु बिरला को मिलती है। ये सुनकर अक्षरा और अभिनव की तो जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है। अभिमन्यु को भी बिल्कुल यकीन नहीं होता कि कस्टडी उसको मिली है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसे अक्षरा अभिनव के लिए भी बुरा लगता है। जीतना तो किसी एक को ही है, यही सच्चाई है, और इसीलिए ये केस अभिमन्यु जीत चुका है। अब अभीर अक्षरा अभिनव के साथ नहीं बल्कि अभिमन्यु के साथ रहेगा। सीरियल में ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह अबीर वो भगवान जी का धागा लेकर कोर्ट तक पहुंच जाता है, वो भी अकेले, सिर्फ इसलिए ताकि वो धागा अपनी मम्मा को बांध सके। लेकिन तभी एक बार फिर से अबीर को मरते मरते अभिमन्यु बचा लेता है। अभिमन्यु अक्षरा अभिनव को ढूंढते ढूंढते अबीर उनके पास आ ही रहा होता है कोर्ट में कि तभी स्टेयरकेस उसके ऊपर गिरने वाला होता है। अभिनव देख लेता है, अभिनव दौड़ता है, दूसरी तरफ से अभिमन्यु भी देख लेता है, अभिमन्यु भी दौड़ता है, लेकिन सबसे पहले अबीर को अभिमन्यु जाकर बचाता है। अभिनव जब तक पहुंचता है अभिमन्यु उसे बचा चुका होता है। एक बार फिर से खून के रिश्ते ने दिल के रिश्ते को पीछे छोड़ दिया। यही देखने को मिलेगा आपको आने वाले एपिसोड में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सीरियल से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।